जय जिनेंद्र, वेलकम टू कुक विद चेतना। आज हम बनाने जा रहे लहसुन या बटाटा। तो उसके लिए मैंने पोटैटो लिए हैं 7-8, उनके ऐसे पीसेस कर लिए। आपके पास छोटे अगर गोल हो तो वो ले ले। और 15-20 लहसुन कर लिया, 2 टमाटर और 2 प्याज, और इनकी हम प्यूरी बना देंगे सबकी, और बटाटे को बाफ लेंगे। ये देखिए, टमाटर, ओनियन और लहसुन सबकी प्यूरी जैसी पीस ली है। अब हम तेल में राई जीरा का तड़का देंगे, फिर हींग का थोड़ा तड़का लगाएंगे, फिर हम गार्लिक ऐड करेंगे। इसमें ढेर सारी गार्लिक जाती है, और इसे थोड़ी देर पकाएंगे तेल में ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। फिर इसमें हम ऑनियन की ग्रेवी ऐड करेंगे। अब इसमें हम ऑनियन की ग्रेवी ऐड करेंगे और उसे भी थोड़ी देर पकाएंगे जब तक तेल ना छूटे। फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, जितना आपको स्पाइसी चाहिए उस हिसाब से मसाले ऐड करें। अच्छे से सबको पकने देंगे, मसालों को भी। अब हम इसमें टोमेटो की ग्रेवी ऐड कर देंगे और उसे भी थोड़ी देर पकाएंगे। अब टोमेटो वो भी पक जाएंगे कि टेस्ट अनुसार सॉल्ट ऐड करेंगे। देखिए, सब्जी का कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब ये टोमेटो भी पकने को आ गए हैं। थोड़ा सा हम एवरेज का गरम मसाला ऐड करेंगे। अब हम ये जो पोटैटो थोड़े से बॉईल किए थे, एकदम ज़्यादा नहीं, थोड़े से उसे कड़क रखे हैं। ये देखिए, चाकू चुभ रही है उस तरह के कड़क। फिर उस पर हम पाव भाजी मसाला थोड़ा ऐड करेंगे। और थोड़ा सा सॉल्ट, और अच्छे से मिक्स करके, और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। फिर इन्हें हम मिक्स कर लेंगे और फिर सब्जी में ऐड कर देंगे। देखिए, अब इसे हम थोड़ी देर मिला के रखेंगे और फिर हम गैस बंद कर देंगे। ये सब्जी पराठों के साथ, थेपले के साथ बहुत अच्छी लगती है, और इसे गरम गरम ही सर्व करेंगे। अभी तो हम ढक्कन देके रख देते हैं। अब हम इसे रोटी या पराठे के साथ गरम गरम सर्व करेंगे। ये खाने में बहुत टेस्टी और ये अच्छी लगती है, बच्चों को भी पसंद आएगी। और ऊपर से हरा धनिया सर्व करेंगे। रेडी है लहसुन या बटाटा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।